हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर डच लीग का मैच हो रहा है, ज़्वॉल वर्सेस विटेस के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो ज़्वॉल और विटेसे के अंदर मुझे लगता है कि ज़्वॉल टीम को ये मैच जीतना चाहिए। बहुत दिनों से एएफसी अफ्रीका नेशंस के पास मैच कवर कर रहे थे और किसी लीग में ध्यान ही नहीं जा रहा था, और ना ही किसी और लीग के ज़्यादातर मैच हो रहे थे। लेकिन जैसे शुक्र शनिवार वापसी आया है, वैसे ही इन्होंने इतने सारे ढेर सारे मैच ऐड कर दिए। और मैं आपको बता दूं, कल का दिन भी बहुत मैच है, कल भी बहुत मज़ा आने वाला है, रात के ज़बरदस्त बड़े लीग के मैच हैं, तो तैयार रहना भाई। तो बात करें इस मैच की, देखिए ज़्वॉल और विटेस के अंदर ज़्वॉल टीम यहाँ पर ये मैच जीतेगी, क्योंकि ज़्वॉल टीम ने किसी भी बड़ी टीम तक को नहीं बख्शा गोल करने से, तो यार वो इनको कैसे बख्शेगी। सीधी बात है, अपने से बड़ी रैंकिंग वाली टीमों को इन्होंने गोल करके दिखाया है, तो ये तो भाई इनको गोल करना तय है। तो यहाँ पर ज़्वॉल टीम को फेवर करना है, आपने जरूर करना है। तो लेके चलते हैं आगे। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, स्ट्राइकिंग के अंदर एल थाए को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। एल थाए जो कि ज़बरदस्त गोल रेशियो के साथ एक ग्रेटेस्ट पेनल्टी टेकर भी है, और एल थाए को पिछले मैच के अंदर मैंने अपने रिस्क पे भाई साहब वाइस कैप्टन रखा था। आप ये लगा लो, मैंने अपने प्राइम मेंबर्स को भी बोल दिया था कि रख लो मेरे रिस्क पे, तो मतलब अंदर से मुझे था कि गोल आएगा, वरना मैं फालतू थोड़ा बोलूँगा रख लो। मेरे को अंदर से था कि गोल आएगा, क्योंकि एनालाइजमेंट में पता चल रहा था, पर बंदा करके गया भाई पिछले मैच के अंदर, 21 जनवरी की बात है। तो मज़ा आया था उस मैच में। एंड एफ ये अपना फ्रेडी की बात करें, देखिए फ्रेडी अगर खेलेगा भी तो मुझे कुछ खास नहीं है, और ई रजिंदर इतना वो है नहीं, इतना काम का प्लेयर कि मैं उसके पीछे भागूं। तो यहाँ पर मेरी नज़र में तो ज़्वॉल का सिर्फ एक ही स्ट्राइकर लेने लायक है, और ऑपोजिशन टीम की बात करूँ उनके 2-4 प्लेयर हैं, जैसे ए वाइज़र हो गया, बट वो खेल ही नहीं रहे भाई, तो मैं क्यों पीछे पड़ूँ। तो यहाँ पर मैं अपन 2 प्लेयर में सिर्फ एक छाटेंगे, पहला है हेमोलिक के बाद अगला जो हमारा प्लेयर है वीटीई का, वो है एमाइन बोत्रा, ठीक है, तो मैं इसके साथ हूँ तब तक। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, मिडफील्डिंग में वाई नामली को लेंगे, नेमली के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर है दैट वाज वेलेनस, क्योंकि वेलेनस आजकल बहुत अच्छा खेल रहा है, असिस्ट रेशियो में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है, नहीं तो मैं डी वेंडनबर्ग की जगह किसी भी प्लेयर को लेना सही नहीं समझता था पहले, लेकिन जब से वेलेनस का गेम प्ले देखा तब से मैं वेलेनस को ड्रॉप ही नहीं कर रहा भाई। और आगे जो प्लेयर हैं वो तो इतने खास है नहीं, क्योंकि वो रोज़ चलने वाले तो है नहीं, तो आगे डिफेंडर लेंगे। तब तक आप ऑपोजिशन टीम की बात करें, तो अगर एम वैन गिंकल खेलता है तो आग बंद करके ले लो, क्योंकि गिंकल वीटीए का मेन मिडफील्डर है, और मेन मिडफील्डर मतलब असिस्ट, ठीक है। और आगे से बात करें तो उनका एक प्लेयर है मैनहॉफ, देखो मैं मैनहॉफ को तो लेता दूँ, लेकिन यहाँ पर ये प्लेयर आपको जीएल में थोड़ा एक आध टीम में ट्राई कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल करेगा, लेकिन इसका ना कुछ पता नहीं चलता है इनकी टीम का, ये कुछ भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं तब तक मैन ऑफ को ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर डिफेंडिंग की बात करें, एस कर्स्टन के बाद भाई टी लैम, ठीक है, ये दोनों कंफर्म है। उसके बाद बी वैन पॉलन कर रहा है थर्ड डिफेंडिंग, तो इसके लिए थोड़ा ये मुश्किल रहने जरूर वाला है, लेकिन अगर क्लीन शीट लग गई तो 20 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, ना भी लगी तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं क्लीन शीट के पीछे दोस्त नहीं भाग रहा। एन ए गर्शिया की बात करें, यहाँ पर है गर्शिया ने पिछले मैच के अंदर की एक वापसी, बट आते ही मुझे लगा कि इसको इंजरी ना हो गई हो, पता नहीं, क्योंकि इसको 82 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया था चलते मैच में, जबकि 82 मिनट में नहीं करते, या तो भाई साहब या तो ये 60-70 के मिनट के बीच में करते हैं, या ये करते हैं हाफ टाइम के बाद, बट 82 मिनट का समझ में नहीं आया। तो ये इंजर्ड अगर हो गया होगा तो फिर किसी और को भेजेंगे, तो ये आपको आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ना ऑप्शन बहुत है, मैं चाहता हूँ किसी और को भेजें, बट अभी आप गर्शिया को सेव करके रख लो, लेकिन इसको कंफर्म मत समझना। आगे से बात करें गोलकीपिंग की, ई रूम को लूँगा, रूम इज़ अ गुड प्लेयर, नॉट ग्रेट, बस ठीक है, ठीक है ना। आगे से बात करें कप्तान की, कप्तान है थाए, वाइस कप्तान है नेमली, लोगों ने नेमली को कप्तान रखा क्योंकि उसके पॉइंट इनको दिखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोस्त अगर एल थाए ने 2 गोल कर दिए तो बहुत आप मज़ा आ जाएगा, क्योंकि थाए के 2 गोल एक्सपेक्टेड हैं, नेमली के नहीं है भाई। नेमली पॉइंट तो दे देता है, लेकिन आप गोल भी तो देखो कौन कर रहा है, अगर वो 2 गोल कर देगा तो आपको लगता है कि वो 100 पॉइंट से नीचे रहेगा, नहीं, 80 पॉइंट तो मेन वही हो गए, बाकी गेम प्ले से करके 100 तक पहुँचा ही देगा, और अगर नेमली ने गोल ना किया तो भी वो आपको 30 तक ले ही जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है मेरे, तो ये मेरी टीम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।